दोस्तों नमस्कार, सलाम अलैकुम, ईद मुबारक हो। इस ईद के मौके पर हमारे जो सर हैं दिल्ली से हमसे मिलने के लिए आए हैं और ये झारखंड स्टेट है। क्या शुभ नाम आपने बताया? विकास सिंह। विकास सिंह जी दिल्ली में रहते हैं, वहीं जॉब करते हैं, लेकिन हमारी तरह ये भी एक जंतु प्रेमी इंसान है, इनको भी सांप बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये आज हमसे मिलने के लिए आए हैं। इस ईद के मौके पर हमसे मिलने आए हैं, तो इस मिलने के दरमियान हमने इनको बताया कि एक सांप हम रेस्क्यू किए हुए हैं जिसका नाम है बैंडेड क्रैत। दोस्तों वीडियो का आखिरी तक आप बने रहें। बैंडेड क्रैत सर एक ऐसा ही सांप है, पकड़िए, ये भी रेस्क्यू करते हैं। बैंडेड क्रैत एक ऐसा सांप है जो वर्ल्ड का रियर स्पेसिस फ्रॉम इंडिया, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति का ये सांप है। ध्यान से देखिएगा, ये सर यहाँ पकड़िए, त्रिभुज आकार का है, तीन कोना। देखिए यहाँ देखिए, एक ये है, वो पॉटी कर रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये अच्छा, ठीक 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 है ठीक है, पॉटी करना जरूरी है सेहत के लिए, हाथ धो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये त्रिभुज आकार का है, ये एक देखिए सेफ है, एक यहाँ एक सेफ है, एक यहाँ, ये ट्रेंगुलर सेफ है। और ये इसका जो मुंह का हार होता है जलढोड़ा, यानी वाटर स्नैक को ये खाना पसंद करता है। और लेट नाइट ही इसका मूवमेंट है, यानी रात के अंधेरे में निकलना। कब निकलना? 8 बजे से 10 बजे के बीच में निकलना और 4 बजे भोर होते होते छुप जाना। और ये भी अभी सर बिका, यहाँ पकड़िए, ये अभी भी बेबी है। ये झारखंड में 8 से 10 फीट का पाया जाता है। तो दोस्तों सांपों को पर्यावरण में बचे रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम तो मुबारक जी है ही हैं, हमारे साथ विकास सर जुड़े हुए हैं दिल्ली, और दिल्ली से आए हुए हमारे एरिया में घूमने के लिए। और इस भ्रमण का दौरान हमसे इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने अपना संवेदना हमें व्यक्त किया कि हम भी जंतु प्रेमी हैं, तो हमें ऐसा लगा कि थोड़ा अगर गुरु ज्ञान इन्हें दिया जाए तो हो सकता है और भी सांपों को बचाया जा सकता है। तो लाइव देख रहे हैं, हम यहां से जुड़े हुए हैं। एक हमारे दीपक शर्मा जी हैं, शर्मा साहब भी बहुत ही बढ़िया रेस्क्यू करते हैं, जो खास करके आपका स्टेट पड़ेगा उनका महाराष्ट्र और अहमदनगर से जुड़े हुए हैं, शायद आप जानते हैं एकदम। देखिए और एक है आकाश यादव जी, वो भी बहुत बढ़िया रेस्क्यू करते हैं। तो हम चाहते हैं जितने भी वर्ल्ड लेवल पर जितने भी रेस्क्यू करने वाले हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप जब भी वीडियो डालिए तो वीडियो का अंतिम में सेव ट्री सेव लाइफ, जितना ज़्यादा गाछ वृक्ष लगाओगे उतना ही ज़्यादा जीव जंतु सर बचा रहेगा। आज के दौर में क्या है कि धीरे धीरे गाछ कट रहा है, वृक्ष कट रहा है, जलवायु परिवर्तन हो चुका है। तो जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है, पकड़िए, सेव ट्री सेव लाइफ, सेव ड्राइव सेव लाइफ, बेटी बचाइए बेटी को पढ़ाइए। तो हम लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप भी अपने घरों में, खेतों में, खलिहानों में गाछ लगाइए, वृक्ष लगाइए। और हम विकास सर, विकास जी नाम है ना, विकास सर जी को सैल्यूट करना चाहते हैं कि दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर से, पता नहीं इस गर्मी में किस तरह आए हमसे मिलने, ये भी पता नहीं है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर हैं, शुभचिंतक हैं, व्यूवर्स हैं। तो उसी तरह तमाम जितने भी इंडिया में सब्सक्राइबर हो, व्यूवर्स हो या विदेशों में, उनको ईद की हार्दिक शुभकामनाएँ। और ख़ास करके हम और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि सांपों के मस्तिष्क के अंदर, ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क ब्रेन के अंदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं पाया जाता, इसलिए वर्ल्ड का कोई भी सांप आपका, दिल का बात बता दिया, कोई भी सांप आपका दोस्त नहीं हो सकता। और सीखने का क्रिया को ये नियंत्रित नहीं करता है आपका, जब ये जैसे सर पकड़े काटेगा नहीं, लेकिन जब जोर का सर दबाव पड़ जाए तो ये काट लेगा। आज भी इंडिया में 40% लोगों के घरों में शौचालय नहीं है, बाथरूम नहीं है, और शौच के लिए हम लोग तालाब पोखर जाते हैं, और सांप फीड्स के लिए रास्ता क्रॉस कर रहा है, बेडलक कि उसका पैर इस इंसान का दब जाए तो ये काट लेगा। और एक सर चीज हम बहुत बढ़िया चीज बताना चाह रहे थे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा,
आज के दौर में कैमरा को सामने लाइए, मल्टी एंटी वेनम सीरम मार्केट में आ गया है। स्नैक बाइट करे आप हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि वहाँ इंजेक्शन है जिससे इंसान को बचाया जा सकता है। अदरवाइज ओझा गुनी के चक्कर में आज भी बहुत सारे लोग डेथ कर जाते हैं। और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जब भी बाइक चलाइए हेलमेट जरूर पहन लिया कीजिए। लोगों से हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि हर साल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 46,000 लोग स्नैक बाइट से मर रहे हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा हेलमेट से। इसीलिए लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव करो, हम तो लोगों को लगता है कि भाई फैशनेबल टोपी पहन रहे हैं, मुबारक जी, झूठ मूठ का ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन 1-2 किलोमीटर में हमारा जो ड्राइव करने का तरीका है 30 और 20 ही स्पीड चलाते, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हम ड्राइव करें तो कम से कम हेलमेट पहन लें। तो दोस्तों हेलमेट पहन करके आप ड्राइव कीजिए, ये जिंदगी बहुत अनमोल है, इसे खोने का प्रयास ना करें। मरना तो एक दिन है ही है, लेकिन ऐसा क्या मौत मर जाए जिससे लोगों को तकलीफ हो जाए। नेचुरल मरे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ब्रेन हैमरेज हो जाए, अगर हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, अचानक कहीं आपका मस्तिष्क टकरा जा रहा है, तो बहुत भारी परेशानी घर वालों को हो जाता है। तो इसीलिए हेलमेट पहन के चलाया कीजिए, और पॉलिथीन का उपयोग सर बिल्कुल ना करें। हाथ जोड़ के अपील है लोगों से कि पॉलिथीन प्लास्टिक का उपयोग ना करें। जो प्लास्टिक आप लाते हैं वो रोड में या कहीं डस्टबिन में फेंक देते हैं, जिससे बहुत सारे जानवर खास करके गौ माता खा जाता है, जिससे काफ़ी तकलीफ होता है, वो डेथ कर जाती है। इसीलिए पॉलिथीन का उपयोग बिल्कुल बंद कर दें, गाड़ी चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबा दें, ताकि वीडियो आपको हर दिन नया दो मिलता रहे।